नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद अब सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी ने हुंकार भर दी है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और दूसरी ही तरफ रामपुर सीट और मैनपुरी सीट भी खाली पड़ी हुई है। इसी बीच देखा जाए तो अखिलेश यादव और भी ज्यादा अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव को पूरा ही परिवार मनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जुड़कर अब समाजवादी पार्टी को मजबूत बना सकते हैं, ऐसा परिवार का दावा है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता। बीते कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना यह रहा कि अब नेताजी है नहीं है तो इस पार्टी में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी ही तरफ कई मुस्लिम नेता भी अखिलेश का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान की विधायकी रद्द की जा चुकी है और इसी बीच अब एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर जो सामने आई है वो खबर ये है कि अब नगर निकाय चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले उन्हें बेहद बड़ा झटका भी लग सकता है। अखिलेश यादव को अब बेहद बड़ा झटका लग सकता है। भारतवर्षीय गौंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री व्यास जी गौंड अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल दो दिन पहले बलिया में मुलायम सिंह यादव की याद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व मंत्री व्यास जी गौंड और पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव के बीच वाद विवाद हो गया था और उस दौरान मंच पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, सपा जिला अध्यक्ष राज मंगल यादव के साथ सपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि व्यास जी गौंड का कहना रहा कि कार्यक्रम के दौरान काशीनाथ यादव ने जानबूझकर मेरा अपमान किया, वहां बैठे लोग मूक दर्शक बने रहे। उनका दावा रहा कि उनके साथ हुए अपमान को लेकर आदिवासी समाज एवं गौंड समाज के लोगों में आक्रोश है और यूपी के चंदौली और हमीरपुर के आदिवासी गौंड समाज के नेताओं ने अब इस्तीफा देने की बात कही तो है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर खबर ये भी आ रही है कि सपा से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सोनभद्र और मिर्जापुर में मीटिंग चल रही थी और बलिया के नेता आज इस्तीफा देने भी जा रहे हैं। सपा नेता ने अपने दिल के दर्द को बयां किया और कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अभी तक मुलाकात नहीं की है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के होते हुए अब तक कार्यवाही जरूर हुआ करती थी। वहीं यहां पर आरोप लगा दिया है काशीनाथ यादव ने और कह दिया है कि पैसे वाले और यादव समाज में रसूख वाले नेता हैं और अब नगर निकाय चुनाव से पहले जिनकी तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है और अब देखा जाए तो जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बताते चले, साल 2017 की तरह इस बार भी चुनाव नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं, वहीं अब तारीखों का ऐलान भी जल्द से जल्द किया जा सकता है। नगर निकाय चुनाव होने को जा रहे हैं और नगर निकाय चुनाव से पहले यहां पर देखा जाए तो पार्टी के तमाम नेता यहां पर साथ छोड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, कि वह इस्तीफा दे सकते हैं। देखना होगा क्या वाकई में अखिलेश यादव अब यहाँ पर इन नेताओं को रोक पाएंगे, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। जिस तरीके से वाद विवाद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है मैनपुरी सीट। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब अखिलेश यादव अपने खेमे को मजबूत बनाने में कामयाब साबित होते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।